अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उस देख ब्लॉच और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मेरे अपने ही नाम से। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप सब दोस्त बखैर व आफिया से होंगे। अल्लाह ताला आप तमाम दोस्तों को हमेशा खुश रखे, सलामत रहें। प्यारे दोस्तों, काफ़ी दिनों से जो है तबीयत ख़राब है और तकरीबन 15-20 दिन हो गए हैं, इसकी वजह से तबीयत जो है मेरा ख़राब है। और अभी मैं गाड़ी में जा रहा हूँ, एक डॉक्टर है उसका पता करता हूँ कि इस टाइम वो हैं या नहीं, अपनी जो है हॉस्पिटल पे देखते हैं कि वो हैं या नहीं, पता करता हूँ। इलाज कुछ और जगह से किया है 2-3 डॉक्टर से, लेकिन फ़िलहाल जो है तबीयत ठीक नहीं हो सकी। और आज फिर एक डॉक्टर और हैं, उनको दिखाने के लिए जा रहा हूँ, उनका पता करता हूँ कि हैं या नहीं। बाकी इसी वजह से जो कुछ दिनों से वीडियो जो है अपलोड नहीं कर सका, वजह यही है कि तबीयत ठीक नहीं है। 15-20 दिनों से तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। दुआ करें कि तबीयत ठीक हो जाए और उम्मीद है कि तबीयत ठीक हो जाएगी और बाकी जो वीडियो होगी मैं अपलोड करूंगा। आप तमाम दोस्त मेरी वीडियो एंड तक देखना और दुआ की अपील है, दुआ ज़रूर करना मेरे लिए, दुआ लाजमी करना मेरे लिए। तो उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्तों को मेरी वीडियो जो है वो पसंद आएगी। दोस्तों अभी मैं जा रहा हूँ हॉस्पिटल, डॉक्टर के जो अस्पताल है उन्हीं की तरफ जा रहा हूँ। अभी टाइम जो है 10 बजने वाले हैं, 10 तकरीबन बज गए हैं। फिर मैं अपनी दुकान पे था पहले, तो अभी जा रहा हूँ डॉक्टर को देखता हूँ, अगर होगा तो उनसे जो है दवाई वगैरह लेना है। और आज जुम्मा का दिन है और जुम्मा मंडी पर भी जाना था, लेकिन वहाँ मेरी तो तबीयत ठीक नहीं है, मैं नहीं जा सका। वैसे जुम्मा मंडी है यार, आज हमारे छोटी जरिए में लोग दूर दराज से आए हुए हैं, वही मैं हॉस्पिटल में जाके देखता हूँ डॉक्टर हैं या नहीं। फाइनली प्यारे दोस्तों, मैं डॉक्टर की क्लिनिक पे अस्पताल पे पहुँच चुका हूँ, अभी जाके पता करता हूँ डॉक्टर आज इस वक्त हैं या नहीं। डॉक्टर के हॉस्पिटल के सामने आया खड़ा हूँ और पता करता हूँ कि आज डॉक्टर हैं या नहीं, देखते हैं। दुआ करें कि डॉक्टर हो और तबीयत को दिखाना है, तबीयत तो मेरी जिस डॉक्टर के लिए मैं आया था ये डॉक्टर, क्योंकि एक दफ़ा और पहले भी मेरी जो तबीयत थोड़ा ख़राब हुआ था तो मैंने इनको दिखाया था, इन्होंने इलाज किया था तो मैं ठीक हो गया था। आज आया हूँ इनके हॉस्पिटल पे तो यहाँ आके पता चला कि डॉक्टर साहब तो इधर नहीं है, वो डॉक्टर साहब अपने ही बेटे के इलाज के लिए गैर मुल्क गए हुए हैं, काफ़ी दिनों से तकरीबन 8-10 दिन के बाद वापस आने वाले हैं। ये डॉक्टर बहुत अच्छे थे माशाल्लाह, तो इनको तो 10-15 दिन जो है लेट है। अभी देखते हैं कि और डॉक्टर, अभी जा रहा हूँ किसी और डॉक्टर के पास और बाकी की वीडियो आप देखें। दोस्तों फाइनली मैं जिस डॉक्टर के लिए गया था वो डॉक्टर नहीं मिला, जिससे दवा पहले मैंने लिया था, तो आज जिसके पास जाना था वो नहीं मिले, तो दूसरे डॉक्टर के पास गया हूँ, वो भी बहुत अच्छे डॉक्टर थे, अच्छे तो थे। दुआ करें कि तबीयत ठीक हो जाए तो फिर सही है, फिर तो मैं भी मान लूँगा वो डॉक्टर, वैसे मुझे अच्छे लगे हैं। दवाई मैं लेकर आया हूँ और आज दवाई लेके आया हूँ, ये आप देखें शॉपर जो है भरा हुआ है और इसमें इंजेक्शन वगैरह हैं 4 दिन के, ये आप देख सकते हैं सिर्फ 4 दिन के हैं। 4 दिन तक उन्होंने कहा कि आप इंजेक्शन वगैरह लगा लिया करें और उसके बाद मुझे दिखाना कि तबीयत आपकी ठीक हो जाएगी। आज मैं उसके साथ जहाँ जाना था वहाँ जाके डॉक्टर बैठा हुआ था, तो दवाई ली है, इंजेक्शन वगैरह लगवाया है और उम्मीद है कि तबीयत ठीक हो जाएगी। फिर मिलेंगे, फिर बातें करेंगे और गपशप भी होगी आप सब दोस्तों के साथ। वैसे मैं मसरूफ़ था, एक तो 15-20 दिन से तबीयत ख़राब रही और अभी भी ख़राब है, अभी दवाई वगैरह है, तो उम्मीद है कि तबीयत ठीक हो जाएगी, सेट हो जाएगी, फिर अच्छी अच्छी वीडियो अपलोड करूंगा। आप दोस्त सपोर्ट करें, कमेंट्स भी कर दिया करें। आप तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप तमाम दोस्त मेरे वीडियो देखते हैं, पूरी वीडियो वॉच करते हैं, मेरे चैनल पे विज़िट करते हैं, आते हैं, आप तमाम दोस्तों का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट अच्छी वीडियो पे, फिलहाल इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।